अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हैरियत से हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से। तो जी व्यूअर्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है, आप सब लोग के लिए। और आज ये वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ माय बैग कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन कोई इतनी खास तो नहीं है, कोई इतने सारे बैग्स वगैरह मेरे पास नहीं हैं, हैंड बैग्स वगैरह या जो भी, ठीक है। मेरे पास जितने भी बैग्स हैं वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर दूंगी, और कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे थे लेकिन मैंने कुछ हड़ाप कर दिए, और जो सलामत थे जी वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अभी देखते हैं हम इनकी डिटेल्ड वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैंने इधर से निकाल के, ये गोल्डन क्लच, ठीक है, ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये छमछम पार्टी क्लच है ये मेरे पास, ठीक है, गोल्डन। एंड ये थोड़ा सा यहाँ से ख़राब हो गया, तो उसके लिए जी माजरा, ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद गाइस, इसकी यहाँ पर जी ये लगी हुई है हुक्स, और ये सितारे लगे हुए हैं काफ़ी ब्यूटीफुल से, और ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पार्टी क्लच है। अगर आप लोग कहीं पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोग इसको लेकर जा सकते हैं। तो जी गाइस, इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलें जी, ओपन करते हैं। एंड ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अंदर जी आप लोग देखें, कपड़ा लगा हुआ है ये येलो कलर का, ये मैं आप लोग को ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, ये येलो कलर का कपड़ा है। एंड इसके साथ जी ये है चेन हमारे पास, ये सिल्वर कलर की चेन है, ठीक है, मैं क्लोज से दिखा दूँ, ये सिल्वर कलर की चेन है, और हुक से हमने खोला तो अभी हम यहीं से बंद भी कर दिया हमने, ठीक है। और ये इसको जी हमने इस चेन से हम उठा लेते हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ये ऐसे, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से हम इसको पकड़ लेते हैं इस चेन की मदद से, और ये पार्टी है, सॉरी पार्टी नहीं है, ये पार्टी क्लच है, ठीक है। अगर आप लोग पार्टी वगैरह पर जाते हो तो आप ये लेकर जा सकते हो, एंड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, एंड इजी भी है इसमें, मतलब क्योंकि ये कपड़े का है तो आप लोग इसमें जितनी चीज़ें चाहे आप लोग डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, फ़ोन रखो, मेकअप रखो, कुछ भी रखो, क्योंकि ये कपड़े का है, ये आप लोग देखें, ठीक है, तो कुछ भी डाल दो आप लोग इसमें, इजीली आप लोग कैरी कर सकते हो इस बैग को, क्लच को अपने साथ। तो ये था जी हमारा फर्स्ट क्लच, ये आप लोगों ने देख लिया, गोल्डन कलर का था, तो इसको हम कर देते हैं साइड पर। तो चलते हैं जी हमारे सेकंड वाले क्लच की तरफ। तो सेकंड में आ जाता है हमारा ये वाला क्लच गाइस, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन शेड ही आ रहा है। एंड ये इसका बैक और फ्रंट इसका भी सेम है, ठीक है, एज जस्ट सेम एज प्रीवियस, ठीक है, तो पिछले बैग की तरह इसका भी सेम ही है। और इसकी क्लिप की जगह जी, उसके ऊपर तो कोई क्लिप नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्लिप की जगह पर ये जो है जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फूल लगा हुआ है, और पीछे थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कर दीजिएगा। और अगर इसको आप लोग उतार के चेंज करना चाहें तो आप लोग के पास कुछ क्लिप्स पड़े होंगे तो आप लोग वो भी इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं, बटन्स लगे हुए हैं, एंड अंदर कुछ मेरे पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, एंड इसके साथ चेन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई एक्स्ट्रा चेन है तो वो आप लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको ऐसे ही कैरी कर लो, ठीक है। और जी गाइस, ये आप लोग बैग देख सकते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोग के साथ ये बात क्लियर कर दूं कि अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, तो लाइट चली गई है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब इतनी लाइट नहीं है, तो आप लोग सॉरी इसी में एडजस्ट कर लें। एंड ये है जी हमारा सेकेंड नंबर वाला क्लच, तो इसको भी करते हैं साइड पर और चलते हैं हमारे थर्ड वन की तरफ। एंड थर्ड वन, ये चूज़ करूँ, ये करूँ या वो करूँ, चलें जी हम यही चूज़ कर लेते हैं। तो गाइज, ये आप लोगों को मैं दिखाऊं, अगर एक मिनट जी, एक मिनट,
हाँ जी, तो गाइस ये है हमारा थर्ड नंबर वाला क्लच, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अगर मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखाऊंगी तो इसके अंदर भी बटन लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग को देखने में भी फील हो रहा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये वेलवेट का बना हुआ है, ठीक है। इसके भी फ्रंट और बैक तकरीबन सेम है, फ्रंट पर ये थोड़ा सा फ्रंट का टचअप देने के लिए लगा हुआ है डिज़ाइनिंग टाइप लेस वगैरह, ठीक है, वो लगी हुई है। एंड अगर इसको हम ओपन करें तो इसका भी ये बटन लगा हुआ है, एंड अंदर से ये मैं आपको दिखा दूँ। और गाइज आप लोगों ने ये जो देखा है, ठीक है, ये हमने खुद घर पर बनाया हुआ है ये वाला बैग, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं आप लोगों के लिए आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी, ठीक है गाइस। तो इसकी ये एंडिंग कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी चलें जी आप लोग मैनेज कर लें, क्योंकि ये घर पे बनाया हुआ है तो कुछ जाहिर है हम बिल्कुल फैक्ट्री वालों की तरह तो उसकी एंडिंग नहीं कर सकते। तो और जी यहाँ पर ये हमारे पास चेन पड़ी हुई थी गोल्डन कलर की, तो वो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ठीक है। एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो इसमें हमने इंसर्ट कर दी, एंड ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है गाइस। इस तरह से ये वेलवेट का है, ठीक है, ये घर पर मैंने बनाया हुआ है बिल्कुल। एंड अभी आई होप सो लाइटनिंग ठीक होगी होगी। तो चलें जी, ये था हमारा थर्ड नंबर वाला क्लच। और अगर आप लोगों को इसकी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जो कि मैं आप तक वो वीडियो पहुँचाऊँ, ठीक है। और ये था थर्ड वाला, इसको हम साइड पर करते हैं डन। और अभी आ जाते हैं हमारे फोर्थ नंबर क्लच पर, ठीक है। फोर्थ में हम ये वाला क्लच देख लेते हैं गाइस। तो गाइस अगर ये आप लोग देखें तो ये भी सेम एज वन की जैसा आप लोग को नज़र आ रहा होगा, जैसे कि मतलब हमारा फर्स्ट नंबर वाला क्लच था, ये बिल्कुल उस तरह का आप लोग को नज़र आ रहा है। इसका भी ये भी जी पार्टी क्लच है, ठीक है, नाइट जो पार्टी होती है ना उसके लिए आप लोग मतलब यूज़ कर सकते हो, डे में भी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। इसके सारे जो है ना ये ब्लैक कलर में है, एंड इट्स रियली ऑसम गाइस, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसकी भी हुक्स लगी हुई हैं, बिल्कुल सेम है इस वाले क्लच के साथ, ठीक है, बिल्कुल ये सेम है। लेकिन कलर जो है जी ब्लैक ज़्यादा अच्छा, मतलब दोनों ही मुझे अच्छे लगे थे इसलिए दोनों ही मैंने ले लिए। और ये भी ब्लैक है, ठीक है, बिल्कुल ये सलामत है, इसको मैंने कभी इतना हार्श यूज़ नहीं किया, मैं ज़्यादा गोल्डन को ही यूज़ करती थी। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं जी, बिल्कुल वैसे ही ये हुक्स हैं, इनको हम ओपन करेंगे तो अंदर से ये मास्क निकलेगा, ठीक है, ये अंदर इसके अंदर मास्क पड़ा हुआ था, इसको हम साइड पर कर देते हैं। एंड यस, अंदर से जी सेम इसके अंदर ब्लैक कपड़ा लगा हुआ है, उसके अंदर येलो था क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने कॉम्बो बना दिया। उसके बाद ये चेन जो है ये है, ठीक है, इसको बंद करते हैं और मैं आप लोग को चेन भी दिखा देती हूँ। यस, अच्छा जी, चेन दिखाने की बारी आ जाती है, तो ये रही चेन, ये आप लोग ज़रा करीब से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये चेन है जी इसकी, और ये ब्लैक कलर का है। सितारों का अगर आप लोग डिज़ाइन थोड़ा सा देखें तो आप लोग को फील होगा, थोड़ा सा अगर आप लोग इसके अंदर गौर करें, बैक साइड पर तो नहीं है, फ्रंट पर आप लोग को फील होगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़े फ्लावर टाइप बने हुए हैं, ठीक है। और कैमरा में इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन रियली में ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। एंड इसको आप इस तरह से कुछ पकड़ सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये था जी हमारा फोर्थ नंबर वाला क्लच, ठीक है। एंड 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 गाइस चलते हैं हमारे फिफ्थ नंबर वाले क्लच के पास, ठीक है, देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर वाला क्लच। ये है जी हमारा फिफ्थ नंबर वाला क्लच, चमचम ही है मेरे पास, ज़्यादा सारे क्लचेस जो है ना चमचमाते ही हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना मैं इनको ज़्यादातर वेडिंग्स वगैरह या पार्टीज वगैरह में कैरी करती हूँ, ठीक है, यूज़ करती हूँ। एंड ये आप लोग देख सकते हैं, हाँ, बहुत ही ग्लिटरी ग्लिटरी सा है, ठीक है। इसके ऊपर ये लगा हुआ जी एक लीफ, ठीक है, उसके बाद इसकी फ्रंट साइड कुछ इस तरीके की है, एंड बैक साइड अगर आप लोग देखें तो ये कुछ इस तरह की है, ठीक है। इन मतलब मैं आप लोग को बताने का ये मकसद है कि बैक एंड फ्रंट साइड बाकी जितने भी अभी तक हमने क्लचेस देखे उनकी सेम थी, लेकिन इसकी बैक साइड चेंज है जो कि है ये, और फ्रंट साइड ये है, ठीक है। स्टफ दिखा दूँ मैं अगर आप लोग को करीब से, तो ये है इसका स्टफ, ठीक है, अंदर थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन लाइनिंग्स हैं, एंड ये लीफ लगा हुआ है। उसके बाद गाइस ये मैंने बड़ा वाला साइज़ लिया, ठीक है, इससे भी बड़े होंगे लेकिन मीडियम वाला मैंने साइज़ ले लिया, ठीक है।
तो अगर आप लोग स्मॉल वाला लेना चाहें तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर लीफ का कलर चेंज चाहें तो वो भी होता है, ठीक है, इसमें भी कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे सिल्वर के ऊपर गोल्डन लीफ बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। एंड गाइज इसको भी हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी ये दो बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी इसके अंदर भी ब्लैक वाला कपड़ा लगा हुआ है, और ये इसकी चेन है, ठीक है, चेन निकाल रही हूँ मैं। और चेन के साथ ही अगर अंदर आप लोग देखें तो ये एक जिप लगी हुई है, ठीक है, ये रही, किधर गई जिप, ये रही गाइस जिप, ठीक है। और ये पॉकेट्स बनी हुई हैं दो, ठीक है, दरमियान में जिप है एंड टू पॉकेट्स बनी हुई हैं। और ये है जी इसकी चेन, मैं वो भी आप लोग को करीब से दिखा देती हूँ। चेन, ठीक है, सिल्वर कलर की चेन है ये। एक मिनट जी, थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा करीब से, मतलब जो है ना थोड़ी जॉइंट्स सी होगी ना तो आप लोग को ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। अच्छा जी, तो ये सिल्वर कलर की चेन है, ठीक है, एंड ये है फुल क्लच। इसको हम अगर ओवरऑल ऐसे चेन से पकड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा, ठीक है। ये इसकी चेन, चेन की लेंथ मैंने बाकी क्लचेस की तो नहीं दिखाई लेकिन इतनी ही होगी, ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दूं जितनी इस क्लच की लेंथ है, इस क्लच की चेन की लेंथ है सेम उतनी ही है, हर क्लचेस की सेम है, इक्वल है, ठीक है, ये है। एंड इसको हम अंदर डाल देते हैं। और इसकी ये जो अंदर वाली पॉकेट है, ये जिप वाली, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि जिप मुझे लगता है ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होती है एज़ कम्पेयर टू बटन्स। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को जिप ज़्यादा सेफ लगती है या फिर बटन्स, ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गाइस क्लचेस तो हो गए ख़त्म, उसके बाद आ जाते हैं अभी हम हैंड बैग्स की तरफ। तो हैंड बैग्स जी यहाँ पर मेरे पास दो ही हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लचेस प्रेफर करती हूँ, हैंड बैग्स नहीं प्रेफर करती मैं इतने। तो हैंड बैग्स में ये दो मेरे पास हैंड बैग्स हैं, एक ब्लैक है एंड एक ब्राउन है। तो अगर ब्राउन वाला आप लोग देखेंगे तो ये वाला मैंने ना पहले भी किसी वीडियो में दिखाया है, जो लोग तो मेरी वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते हैं उन लोग को पता होगा कि ये मैंने किस वीडियो में अपना ये बैग दिखाया है। तो अगर आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जी गाइस जो मैंने बनाई थी वीडियो लॉकडाउन शॉपिंग हॉल, ठीक है, ये उसमें थी, उसमें था मेरा बैग, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में ख़रीदा था इस वजह से, ठीक है। और इसकी भी अगर आप लोग देखें तो ये ब्राउन कलर का है एंड एक ये सॉरी शीशे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। एंड इसकी ये स्ट्रिप्स थोड़ी छोटी सी हैं, इसलिए मुझे छोटी ही पसंद है, इसलिए लंबी भी चलती हैं लेकिन छोटी ज़्यादा अच्छी होती हैं। बैक पर एक जिप है, एक मिनट जी, ये रही जी बैक पर एक जिप है, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, यस पेपर्स पड़े हुए हैं। और जी ये बैग से कुछ इस तरह का है, इसको अगर आप लोग मतलब देखते हो, गौर से देखते हो या टच करते हो तो आप लोग को जैसे ना मतलब कोकोनट नहीं होती, ठीक है, जब मतलब नारियल को आप लोग तोड़ते हो तो अंदर से कोकोनट निकलती है, बिल्कुल वैसा ही इसका फील भी आता है टच में भी, और अगर आप लोग देखते हो तो व्यू भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो फ्रंट पर आ जाएं अगर हम लोग, तो फ्रंट तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखा दिया, अभी देखते हैं हम लोग इसकी जिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जी इसकी दो जिप्स हैं, ये इस साइड पर, ठीक है, ये दो जिप्स हैं। जिप्स से पहले मैं आप लोग को बता दूँ ये साइड पॉकेट्स भी हैं इसकी। यहाँ पर भी अगर अक्सर आप लोग बॉटल्स वगैरह रखते हो ना, वाटर बॉटल्स, तो वो आप लोग रख सकते हो, इस साइड पर भी है। तो जिप्स की तरफ चलें तो ये दो जिप्स चन चन, तो यहाँ से इनको ओपन करते हैं, ठीक है, दोनों को। पहले एक को ओपन किया, ओह माय गॉड गाइस, जिसके अंदर पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं कभी निकाले नहीं इसको, कभी कभार यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये जो है ना अंदर जो बड़ी वाली स्ट्रिप होती है वो पड़ी हुई है, उसको मैंने कभी भी नहीं लगाया इसके अंदर। एंड सेकेंड वाली स्ट्रिप अगर खोले तो दिस इज एम्प्टी। इसके अंदर भी एक जिप वाली पॉकेट लगी हुई है छोटी सी, जिसमें अगर आप लोग अपने पैसे वगैरह रखने चाहो तो रख सकते हो। एंड इसके अंदर भी ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का कपड़ा है, लेकिन कैमरे में ब्लैक आ रहा है तो मैं आप लोग को बोल के बता रही हूँ कि ये ब्राउन कलर का है। तो गाइस ये था जी हमारा फर्स्ट हैंड बैग, तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये हैंड बैग, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे सेकंड वाले हैंड बैग के ऊपर। ओके सो ये दिस वन इज सेकंड एंड द लास्ट हैंड बैग, ये आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये है हमारा हैंड बैग, ठीक है, इसका ब्लैक कलर का है। और स्ट्रिप्स दिखा दूँ मैं अगर आप लोगों को, तो ये है जी इसकी वाइट स्ट्रिप्स हैं। एंड यहाँ पर ये जो चेन्स होती है ना, ये थोड़ी सी बन के लगी हुई है चेन्स, ठीक है। एंड कुछ एक मिनट, कुछ इस तरह से इसका आ जाता है व्यू अगर आप लोग इसको फुल पकड़ कर देखते हो तो। एंड सामने ये एक इसका जो है जी लोगो लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का लोगो, आई डोंट नो। और ये जो डिज़ाइनिंग के लिए जिप्स लगी हुई है, ये दो जिप्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप्स मैंने दिखा दी, वाइट है, साथ में चेन है। बैक पर अगर आप जाएं तो बैक पर भी एक जिप है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये कुछ, ये ब्लूटूथ पड़ा हुआ है जी, ठीक है। एंड इसको भी किया बंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर ओपन करते हो तो इसकी एक ही जिप है जी, तो एक ही जिप है ये बिल्कुल खाली सा, साफ सुथरा सा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी एक, यहाँ पर भी ये जिप लगी हुई है, ठीक है। इसको भी अगर हम बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सामने भी दो पॉकेट्स बनी हुई हैं, ठीक है। एंड ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर ये जो फ्रंट पे जिप्स हैं, एक मिनट मैं आप लोग को दिखा दूँ बिल्कुल अच्छे से, ये जो फ्रंट पे जिप्स हैं, ठीक है, अगर आप लोग इनको खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं बंद ही रखूँगी, मुझे बंद ज़्यादा पसंद है, ठीक है। उसके बाद जी ये था हमारा फुल बैक का व्यू, ठीक है। एक मिनट हम जिप बंद कर लेते हैं। ये था जी हमारा फुल ब्लैक वाले बैग का, लास्ट वाले बैग का व्यू, ठीक है। तो उसके बाद यही थे जी मेरी आज की हैंड बैग्स की कलेक्शन। एक मिनट मैं सारे ज़रा सामने लेके आती हूँ। तो जी गाइज, यहाँ पर मेरे सामने आ चुके हैं सारे के सारे क्लचेस एंड बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए मेरी बैग कलेक्शन, ठीक है। मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था कि मेरे पास इतने सारे बैग्स नहीं हैं जो कि मैं आप लोग को दिखाऊं, लेकिन जितने भी हैं मैं आप लोग के पास लेकर आई हूँ, आप लोगों तक मैं लेकर आई हूँ, आप लोग के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जी होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जी, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड ग्रे कर दीजिएगा सब्सक्राइब का बटन। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।